हेलो नमस्कार जैन दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों मैं जय किशन चौरसिया से आज आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला की रेसिपी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, जीरा और 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ते ले लिए। तो अब दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने गैस ऑन करके गैस पे मीडियम फ्लेम पे एक कढ़ाई रख दिया है। अब कढ़ाई हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगा 1 से 1.5 चम्मच बटर। यहाँ पे मैंने अमूल का बटर लिया है, आप चाहे तो किसी और भी ब्रांड का बटर ले सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगा 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। बटर और घी गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले। सूखे मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 सेकेंड के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसके बाद हमने डालना है इसमें लहसुन और जो अदरक का टुकड़ा हमने लिया था उसके 6-7 टुकड़े करके उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। अब 10 से 15 सेकेंड तक इन्हें भी भूनने के बाद जो टमाटर हमने लिया था उसको रफली काट लिया है मैंने एक पीस में 7 से 8 पीस करके, तो उसके बाद हम इसे भी इसमें डाल देंगे। टमाटर को डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, लगभग 1/4 चम्मच के इतना मैंने इसमें नमक डाल दिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी मिर्च मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच लिया है। नमक और मिर्च डालने के बाद हम इसे काफ़ी अच्छी तरीके से चला के मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ डालना है काजू। यहाँ काजू लगभग दोस्तों मैंने 16 से 17 पीसेस लिए हैं। हमें अंदाजे से लगभग एक टमाटर के पीछे 4 से 5 काजू के टुकड़े हम ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें लगभग 2 मिनट तक इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से चला लेना है। जब टमाटर हमारा गलने लगे तो हमें डालना है यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर या हल्का सा गर्म पानी। लगभग यहाँ पे 1 कटोरी पानी छोटी कटोरी से मैंने डाला है। दोस्तों ध्यान रहे, कुकिंग पर्पज़ में हम जब भी कुकिंग करें तो हमें पानी या तो नॉर्मल टेम्परेचर पर लेना है या तो फिर हल्का गर्म पानी डालना है। इससे सब्जी का टेक्स्चर और कलर दोनों बना रहता है। दोस्तों हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही पका लेंगे जिससे कि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए और काजू सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ ढक्कन हटा लिया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरीके से गल चुका है। तो अब दोस्तों हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे और चलेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे ले लिया है मिर्च 4 से 5, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 मीडियम साइज प्याज और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। अभी इन्हें मैं फाइन चॉप कर लूँगा। जो टमाटर और काजू हमने दोस्तों ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा हो चुका है, तो हमें इसका पेस्ट बनाना है। जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे खड़े मसालों को निकाल लिया है और मैंने यहाँ पे 4 इलायची डाले थे छोटे, तो 2 इलायची मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसे जार में पलट लेते हैं। काजू को मिक्सी जार में पलटने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है जिससे कि हमारा पेस्ट जो स्मूथ बन के तैयार हो। तो चलिए दोस्तों इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। काजू और टमाटर का पेस्ट बनाने के बाद सबसे ज़रूरी स्टेप जो हमें करना है कि इसे छन्नी की मदद से हमें छान लेना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो पेस्ट से ग्रेवी बनेगा वो काफ़ी स्मूथ और क्रीमी बन के आएगा। अब पेस्ट को मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर में पलट लिया है और करछी की मदद से इसे दबा दबा के मैं इसको छान लूँगा। जार में अंदर की तरह थोड़ा सा पेस्ट लगा रह गया था तो इसमें पानी डाल के मैंने भी इसे अच्छी तरीके से साफ कर लिया है। अब दोस्तों करछी के पीछे के साइड से दबा दबा के हमें इसे काफ़ी अच्छे से छान लेना है जिससे कि हमारा 0 से 0 वेस्टेज हो या कम से कम वेस्टेज हो। ध्यान रखें कि पेस्ट को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है इसलिए कम से कम पानी का यूज करें। और दोस्तों अब पेस्ट को छान लेने के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब दोस्तों गैस को ऑन कर देने के बाद हमें ले लेना है एक कढ़ाई या डीप फ्राई पैन ले लेना है और गैस के फ्लेम को दोस्तों हमें मीडियम पे रखना है इस प्रोसेस पे। और इसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच बटर और 2 चम्मच घी जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो दोस्तों यहाँ गर्म होने के बाद घी और बटर को मैंने इसमें डाल दिया अपने बारीक कटे हुए अदरक और लहसुन और 15 से 20 सेकेंड तक लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें डालना है इसमें बारीक कटी हुई मिर्च और इसे भी लगातार चलाते हुए 10 से 15 सेकेंड तक भून लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें डाल देना है इसमें अपने बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को एक बार अच्छे तरीके से चला लेने के बाद हमने यहाँ पे डालना है लगभग 1/4 से भी कम नमक। दोस्तों ध्यान रखें कि जब हम काजू और टमाटर को पका रहे थे तो वहाँ भी हमने नमक डाला था, इसलिए नमक हमें बहुत ही संभाल कर कम मात्रा में यहाँ पर यूज करना है। तो दोस्तों अब प्याज को चलाकर कंटिन्यूसली ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। ऑन हो चुका है तो इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच
तीखी लाल मिर्च, उसके बाद 2 पिंच हल्दी, और उसके बाद आधा चम्मच धनिया। अब इसके बाद दोस्तों इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पका लेना है। और यहाँ पे पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया है, और इसे 30 से 35 सेकंड तक कंटिन्यूसली चलाकर हम पका लेंगे। देख सकते हैं मसाले जो है हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, बगल बगल में आप देख सकते हैं कि तेल रिलीज कर रहे हैं, तो ये एक सिंबल है मसालों के पक जाने का। तो मसाले पक जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसे भी चलाकर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो दोस्तों पेस्ट बनाया था काजू और टमाटर का, हम उसे इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद दोस्तों हमें इसे चला लेना है, काफ़ी अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। अब इसे हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ढक कर पका लेंगे। जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है, यहाँ पे मैंने दूसरे गैस स्टोव को ऑन करके उस पर ले लिया एक फ्राई पैन, और उसमें मैं डाल रहा हूँ 1 से 1.5 चम्मच बटर। बटर के पिघल जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ लगभग 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने, जिसे मैंने त्रिकोण शेप में कट कर लिया। आप चाहे तो किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया इसमें 1 पिंच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 पिंच हल्दी, और 1 पिंच के इतना ही नमक। अब दोस्तों इसे हमें हाथ की मदद से थोड़ा सा हिलाकर बिना करछी के यूज के लगभग 1 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। और जब तक दोस्तों हमने जो ग्रेवी पकने के लिए छोड़ रखा था वो लगभग 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे, तो इसे अच्छे से चला के मैं एक बार मिक्स कर लूँगा, जिससे कि ये नीचे लगे नहीं। चूँकि दोस्तों काजू का जो ग्रेवी होता है वो नीचे बहुत जल्दी जल्दी लगता है, तो हमें हर 2.5 से 3 मिनट पर इसे चलाते रहना है। को काफ़ी अच्छे तरीके से चला लेने के बाद मैंने इसे वापस से कवर कर दिया, और चलते हैं अपने पनीर के पास उसका हाल चाल लेने। दोस्तों आप चाहे तो पनीर को बिना फ्राई किए ही सीधे ग्रेवी में डाल सकते हैं ग्रेवी पका लेने के बाद, पर इस स्टेप को करने से क्या होता है दोस्तों कि जो बटर है पनीर के अंदर तक चले जाता है, जिससे पनीर हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, और खाने के टाइम हमें पनीर में बटर का स्वाद अंदर तक आता है। पनीर को हमें लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है, और गैस को मैं अब ऑफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं अपने ग्रेवी के पास। ग्रेवी दोस्तों लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए, तो ग्रेवी भी दोस्तों हमारा पक चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ अपने फ्राई किए हुए पनीर के स्लाइसेस, और दोस्तों उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ फ्रेश क्रीम, या अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मेरी तरह दूध से निकाला हुआ फ्रेश मलाई, उसे काफ़ी अच्छे तरीके से फेंट के इसमें 2 चम्मच तक डाल दीजिए। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया इसमें बारीक कटा हुआ धनिया, और 2 पिंच के इतना गरम मसाला। अब दोस्तों इन सभी को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर, तो लीजिए तैयार है हमारा स्वादिष्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला। दोस्तों घर पे ज़रूर बनाएं, और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़ जाइए मेरे साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।